जी जी आया नु स्वागत है थोड़ा फिर तो एक बार थोड़े अपने शो च जिसका नाम है तरपंच तड़का। हाँ जी मैं कौन है जी, मैं हूँ तड़ा लवेबल होस्ट जी हरपाल सिंह सोखी। हैं जी उन पिछली रेसिपी वहाँ हमने दूरियाँ मिटा दी, अब क्या भैया अब ऑल इज़ वेल। यार ऑल इज़ वेल से याद आया, ऑल इज़ वेल नहीं आलू इज़ वेल, आलू से बना रहा हूँ कुछ पूरियों के साथ, खाने के लिए कुछ तो चाहिए था ना, तो आलू की लौंजी बना रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है जी, ये कर दिया ऑन मैंने ये गैस को, और इसमें राई का तेल, ये डाल दिया राई का तेल, और इसमें ये तेज पत्ता। अब राई का तेल भी गर्म होता तो उसकी कड़वाहट चले जाएगी, तेज पत्ता भी थोड़ा सा पकेगा उसमें खुशबू राई के तेल में जाएगी। अच्छा यहाँ पे आलू जो हैं वो पील करके रखें, ये संभाल के काटें और इस तरह से ये वेजेस काट लें। तो ये काट लिया हमने आलू, और इसको यहाँ पे ये जो तेल है गरम हो गया बढ़िया, अब इसमें ये आधा छोटा चम्मच कलौंजी ये डाल ली, साथ ही साथ कुछ काली मिर्चें, ठीक है जी 10-12 काली मिर्चें वो डाल ली। हाँ 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 अब इसमें ये कहाँ गया जी, ये अदरक का पेस्ट छोटा चम्मच और लहसुन का पेस्ट ये डाल दिया, ये लीजिए अब ये भून गया है। भूनना बहुत ज़रूरी है अदरक लहसुन का पेस्ट, वो इसलिए कि जो कच्चापन होता है ना वो ख़त्म करना है। अब इसे भून लिया, इसमें ये आलू डाल लेता हूँ जी सीधा, ये ये इसको थोड़ी देर में पकाऊंगा मतलब भूनूंगा ताकि आलू वो भी हल्के से फ्राई हो जाए तेल में, स्वाद जो है ना और मज़ेदार हो जाएगा है ना। थोड़ी देर तक पका लेते हैं इसको। ये जो आलू है थोड़े से भून लिए हमने, अब जितने सूखे मसाले वो इसके अंदर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अच्छा 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर ये डाल दिया, हल्दी पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, और जी आ गए ना खुशी, ये आ गई खुशी यहाँ पे रौनक, नमक ओ जी नमक शमक डाल देते हैं, नमक शमक ये नमक डाल दिया और एनर्जी आ गई, और आलू को ये देखिए वो डलते ही जी क्या मज़ा आता खाना बनाने में, बहुत मज़ा आता जी। फिर उसके बाद ये देखिए अब मसाले डल गए हैं, सब कुछ डल गया, क्या करना है अब मैं एक काम करूँगा, इसमें ये डाल लेते हैं पानी, पानी डालने के बाद क्या करना है, तब तक पकाना है जब तक आलू पक ना जाए, तो जल्दी पकाना है तो क्या करेंगे, ये इसको लेते हैं ढक और फिर इसको पकाएंगे जब तक आलू सॉफ्ट ना हो जाए, क्योंकि मुझे क्या करना है आलू सॉफ्ट हो जाएंगे तो थोड़े आलू मैं तोड़ दूंगा ताकि करी जो है ना बढ़िया गाढ़ी हो जाए और मज़ा आ जाए, फिर बाकी चीज़ें डालेंगे वो खट्टी और मीठी वाली, तो ढक के पकाते हैं इसको जब तक आलू पक ना जाए। अब चेक कर लेते हैं आलू जो है, ये देखिए हाँ बिल्कुल सॉफ्ट पक गए हैं, ये देखिए आराम से टूट रहे हैं, और ये जो करी है ये भी बढ़िया और गाढ़ी हो गई है, इसमें इमली का पेस्ट, ये गाढ़ा इमली का पेस्ट पहले 1 चम्मच डाल लेता हूँ, और साथ ही साथ गुड़, ये देखिए गुड़ डाल दिया, ये 2 छोटे चम्मच भर के गुड़ डाल दिया। लौंजी जो है ना थोड़ी सी खट्टी थोड़ी सी मीठी होती है, तो ये गुड़ और इमली का पेस्ट डालने के बाद चेक कर लेंगे। अच्छा गुड़ डालने से बढ़िया शाइन भी आ जाती है, हाँ 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 बढ़िया हो गया है, लेकिन मैं
टेस्ट कर लूं थोड़ा सा। आहा, मजा आ गया जी। जितनी मुझे खटास चाहिए थी उतनी है, और जितना मुझे मीठा चाहिए था उतना ही है। ये हो गया आलू की लौंजी। इसको कर लिया बंद, और सर्व करने के लिए ये लीजिए, ये आलू, ये, और इसमें थोड़ी सी ग्रेवी डाल लेते हैं, ये लीजिए। आहा हा हा, खुशबू देखिए कितनी बढ़िया है, कितनी सिंपल डिश है। अब ना पूरी होंगी अधूरी है, क्योंकि उसे मिल गया अपना जोड़ीदार, पूरी और आलू की लौंजी। इन दोनों को साथ में खाएं, जन्नत याद आ जाएगी, मैं याद आ जाऊंगा। लेकिन उसके पहले देखें इसका रिकैप और नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स। आलू की लौंजी, सामग्री 7 से 8 आलू छिले हुए, 4 बड़े चम्मच राई का तेल, 1/2 छोटा चम्मच कलौंजी, 1 छोटा चम्मच अदरक पेस्ट, 1 छोटा चम्मच लहसुन पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच इमली पेस्ट, 2 छोटे चम्मच गुड़ कसा हुआ, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वादानुसार, 10 से 12 काली मिर्च, 2 तेज पत्ते, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर। इसे बनाने के लिए एक नॉनस्टिक पैन में राई का तेल और तेज पत्ते डालकर भून लीजिए। आलू को वेजेस में काट लीजिए। इसमें कलौंजी, काली मिर्च, अदरक पेस्ट और लहसुन पेस्ट डालकर खुशबू आने तक भून लीजिए, और फिर कटा हुआ आलू डालकर अच्छे से पका लीजिए। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डालकर मिला लीजिए। 1 कप पानी डाल दीजिए और ढक्कन लगाकर आलू पकने तक और नरम होने तक पका लीजिए। करी गाढ़ी होने के बाद इसमें इमली पेस्ट और गुड़ डालकर अच्छे से भून लीजिए। कुछ देर तक पका लीजिए। गर्मा गर्म सर्व कीजिए।